शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। मोहिनी, आप यहाँ आई है। आज हम आप सबके सामने बड़े हर्ष के साथ ये घोषणा करना चाहते हैं कि आज से ठीक एक सप्ताह बाद हम मोहिनी के साथ विवाह करेंगे। नहीं अतिराज, आप ऐसे नहीं कर सकते। और आप सब इस विवाह में सादर आमंत्रित हैं। क्या खेल खेला है तूने? बधाई हो सर्पिका। आज तुम मुझे अधिराज को सबसे बताना ही होगा। अधिराज, अधिराज मुझे आपसे कुछ कहना है। मैं आपको सारा सच बताना चाहती हूँ और सच ये है, मैं आपकी पत्नी हूँ। सुने ना, याद करिए, मैंने आपको कहा था ना कि एक औरत मेरे पति को वश में करना चाहती है। मेरे पति आप हो अधिराज, और वो औरत कोई और नहीं। सर्पिका, क्या सुनैना, मेरे होने वाले पति की नींद क्यों खराब करना चाहती हो? ऐसे किसी की नींद खराब करना अच्छी बात नहीं होती। देखो कितने आराम से सोए हुए हैं। क्या हुआ, इतने आश्चर्य भरे नजरों से क्या देख रही हो? हाँ, मैंने अपने होने वाले पति को कुछ विशेष औषधि दी है, जिसके प्रभाव से मैं उसे एक दिन नागराज बनाऊंगी। सुन, तू कितना भी प्रयास कर ले, अधिराज की याददाश्त वापस नहीं आने वाली, क्योंकि तू नहीं जानती सुनैना उसकी याददाश्त कहां पर रखी गई है, पर मैं जानती हूं। और तूने सुना नहीं, अधिराज ने भरे दरबार में सबके सामने क्या बताया? हमारा विवाह होने वाला है। तू हार गई सुनैना, बुरी तरह से हार गई। कोई भी इंसान तब तक नहीं हारता जब तक वो अपनी पराजय स्वीकार ना कर ले, और मैं अपनी आखिरी सांस तक अपनी पराजय नहीं स्वीकारूंगी सर्पिका। और रही बात विवाह की, तो विवाह तो मंडप पर भी टूटते हैं। तेरे विवाह की तो केवल घोषणा हुई है। क्या हुआ? अरे अधिराज, आप उठ गए? कुछ नहीं, मैं इस दासी सुनैना को हल्दी से जुड़ी कुछ खास बात बता रही थी। अच्छा। कहते हैं एक होने वाली पत्नी एक होने वाले पति को सबसे पहले जब हल्दी लगाती है, तो होने वाली पत्नी का हृदय हमेशा हमेशा के लिए होने वाले पति का हो जाता है। अधिराज, कल हमारी हल्दी का शुभ मुहूर्त निकला है। कल आपका हृदय हमेशा हमेशा के लिए मेरा हो जाएगा, और मेरा हृदय आपका। मैं सच में बहुत प्रसन्न हूं अधिराज। अरे राशि, आप अधिराज, आपकी अनुमति हो तो मैं इस दासी सुनैना को अपनी हल्दी तैयार करने की जिम्मेदारी देना चाहती हूँ। वो क्या है ना, कल मैंने इसके साथ अच्छा बर्ताव नहीं किया, जिसका दुख है मुझे, इसलिए मैं इसे
ये शुभ कार्य करने का अवसर देना चाहती हूँ। सुनैना, यदि तुम हमारी हल्दी की तैयारियां करोगी तो मोहिनी के साथ साथ हमें भी बड़ी प्रसन्नता होगी। जैसी आपकी इच्छा राजा साहब, आपकी इच्छा से बढ़कर इस दासी के लिए कुछ भी नहीं। हे अंबे मां, मैंने इतने प्रयास किए फिर भी अधराज की आकाश वापस नहीं ला पाई, और दूसरी तरफ वो सर्पिका अपने हर चाल में सफल हो रही है माँ, पर मैं हिम्मत नहीं हारूंगी। अब चाहे जो भी हो जाए, मैं अधिराज को इस संकट से बचाकर रहूंगी माँ। इस संकट से लड़ने का हौसला है मेरे पास, पर मुझे कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है माँ। काश अधिराज मेरी आंखों में दर्द देख पाते माँ, मेरे हृदय की पीड़ा को समझ पाते, लेकिन नहीं, उन्होंने तो खुशी खुशी मुझे अपनी हल्दी की तैयारियों का बोझ दे दिया माँ। मैं अपने ही पति के विवाह की हल्दी कैसे तैयार करूं? वो तो सर्पिका ने पहले मुझसे मेरा मंगलसूत्र छीना और अब वो मुझसे मेरा सुहाग छीनना चाहती है माँ। पता नहीं उसने अपनी काली शक्तियों से मेरे अधिराज की आकाश को कहाँ छुपा कर रखा है माँ, समझ में नहीं आ रहा है मैं अपने अधिराज की आकाश को वापस कैसे लाऊं। अब आपको ही मुझे राह दिखानी होगी माँ, मेरी सहायता करो माँ। आप मेरी परीक्षा लेना चाहते हो ना, तो ठीक है, मैं आपकी हर परीक्षा के लिए तैयार हूं माँ। मेरी सहायता नहीं करोगी माँ, तब तक मैं आपके मंदिर की सीढ़ियों को घुटनों के बल पर चढ़ती रहूंगी, फिर चाहे मेरे प्राण ही क्यों ना चले जाए। We'll be right back.
सुनैना को नहीं पहचानेंगे माँ। क्या आदराज कभी अपनी डांग पत्नी को नहीं अपनाएंगे माँ? सच्चे प्रेम को गले नहीं लगाएंगे माँ।